अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिन लोगों के अंदर कम होता है उनके अंदर मर्दाना वजह जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी वो देखने में ही मर्द कम लगते हैं। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सुद्दोस्त रंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट, लो टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट, यानी जिनके टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है, या टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसका लेवल जो होता है वो कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको। पूरी वीडियो तवज्जो से देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। टेस्टोस्टेरोन जिन लोगों के अंदर कम होता है उनकी मर्दाना वजह जो होती है वो कम होती है, यानी देखने में वो आपको मुकम्मल मर्द नहीं लगेंगे। यानी मर्द जो होता है उसकी मूछें होती हैं, दाढ़ी होती है, ये आपको उनके कम नज़र आएंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। इसके अलावा जो चेस्ट होते हैं इनके छोटे होते हैं, जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है यानी ये हार्मोन कम होता है, तो उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं औरतों की तरह। और जब इनके जिस्म को हाथ लगाया जाए तो आपको ऐसे महसूस होगा कि ये मर्दाना जिस्म नहीं है, जैसे औरतों का नर्म जिस्म होता है ऐसे आपको महसूस होगा हाथ लगाने से। और इसके साथ साथ जो टेस्टिस होते हैं इनका साइज़ भी छोटा होता है, यानी टेस्टिस जो इनके होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। इसके बाद अगर ये अडल्ट हो जाते हैं, बलूगत की उम्र में पहुँचते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसकी कमी की वजह से इनके अंदर इनफर्टिलिटी होती है, यानी वो इस काबिल भी नहीं होते कि वो बच्चा पैदा कर सकें। और इसके साथ साथ एक और भी होता है कि जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है उनके अंदर कुव्वत फैसला यानी डिसीजन पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। जैसे औरतों के अंदर डिसीजन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि कभी फैसला कर लिया, कभी पीछे हट गए, कभी उसके ऊपर आ गए, ऐसे ही उन लोगों के अंदर हो चुके जो मर्दाना डिसीजन रखते हैं, यानी मर्दाना वजाहत मुकम्मल रखते हैं, टेस्टोस्टेरोन जिनके मुकम्मल हार्मोन पूरे रखते हैं उनके डिसीजन पावर पूरी होती है। यानी यहाँ मैं आपको एक बात और वाजे करना चाहता हूँ, जिन लोगों के अंदर सेक्स मुकम्मल होता है, जिनसी रगबत पूरी होती है, मर्द हो औरत हो, उनके अंदर ज़िंदगी की उमंग भी होती है, उनके अंदर डिसीजन पावर भी ज़्यादा होती है, अच्छी डिसीजन पावर रखते हैं, और उनकी सेहत, उनकी एक्टिविटी वो भी बताती है कि इनके अंदर हार्मोन बिल्कुल बैलेंस हैं, नॉर्मल हैं, ये महसूस किया जा सकता है, उनको फिजिकली देखा जा सकता है, उनकी एक्टिविटी से जजमेंट की जा सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जवानी के अंदर बड़े अच्छे फैसले कर रहे होते हैं, यूं ही उनकी उम्र कुछ ज़्यादा होती है तो वो उनकी जो डिसीजन पावर होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, उनकी गिरफ्त नहीं रहती अपने फैसले के ऊपर। क्या होता है कि उस वक़्त उनके जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ओल्ड एज में वो कम हो जाते हैं, उनका बैलेंस, उनका लेवल, उनका कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डिसीजन पावर भी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट बेहतर यही है कि अपने किसी मकामी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। हम अपने क्लिनिक के ऊपर करते हैं, अगर हमारे साथ किसी ने राबता करके अपनी ट्रीटमेंट लेनी हो तो उसको मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा जाएगा। हम अक्सर मरीजों को करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, उनकी खुराक मेंटेन की जाती है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, उनको मुख्तलिफ एक्सरसाइज वाक बताई जाती है कि ये आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे और वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि वो ज़बरदस्त किस्म का उनका रिज़ल्ट आया और वो ठीक हो गए। विद रिपोर्ट हम ट्रीटमेंट करते हैं, और अक्सर ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कर सकते हैं। आप अपने मकामी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या जिसको भी मुनासिब समझते हैं उससे कंसल्ट करके अपनी ट्रीटमेंट लेनी शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप नॉर्मल हो जाएंगे।
दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।